So students, again we are here with a new video. और लिस्ट हम लोग की वही चल रही है, मेन चीज चल रही, मेन टॉपिक चल रहा है क्या, मॉडर्न फिजिक्स. और उसमें एक नया वीडियो आ गया है सेमी कंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स का. नए सवाल, नई बातें, आइए बात करते हैं. पहला सवाल है, व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन डायोड. व्हेन फॉरवर्ड बायस, ये हो गया आपका पी टाइप और एन टाइप, होल होल होल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, जो कि आपने कहा था, मैंने इसको बना दिया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया है. और यहाँ पे आप जानते हो साहब जो है होल इधर को भागेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा. एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इधर को लगा के रखी है, एक इधर की तरफ को फील्ड सेट हो गई है. ये इसको ई कर लें आप, इसको ई जीरो कर लें तो यहाँ, इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती नहीं घट जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता नहीं घट जाता है. अब यहाँ पे सवाल कहा गया है, व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन डायोड. जो मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतना इसको फिगर में कन्वर्ट कर लिया. आगे बढ़ते हैं, व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल बैरियर वीबी एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एक्स. ये डिप्लेशन लेयर है और यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर है, क्या हो जाएगा. मैंने आपसे कहा था कि आंसर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, पोटेंशियल बैरियर घटेगा. डिप्लेशन लेयर की बात है, घटने वाले में जो कौन कौन सा आ गया, कैसा, एक ये आ गया और एक ये आ गया. लेकिन सब यहाँ पे एक्स वाला सवाल आ गया है, इसका क्या हाल होगा, इसका क्या हाल होगा. तो सर यहाँ पे जो ये होल है, इस पॉजिटिव को पकड़ के घसीटेगा, ये इधर को घसीटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक दूसरे के अपोजिट, होल और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो ये डिप्लेशन लेयर भी क्या होगी, घट जाती है. डिप्लेशन लेयर भी घट जाती है, पोटेंशियल बैरियर भी घट जाता है. ये हो गया आपका करेक्ट आंसर फोर्थ. और ध्यान रहे, इन सवालों को आपने देखा, सीखा, समझा, जो कुछ भी हुआ हो, जो भी स्टेटस हो, सवाल आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, तुरंत का तुरंत आपको यह रट जाना चाहिए. मेडिकल के लिए खास तौर से, वहां पे आपसे कोई कुछ पूछने वाला नहीं, आपको आया कैसे, आता कैसे है, वगैरह वगैरह, इन सारे सवालों के जवाब आपको वहां पे नहीं देने. अगले सवाल पे आ रही है, The temperature T, dependence of resistivity rho of a semiconductor is represented by. क्या बताया था हम लोगों ने कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी घट जाती है. अब घटने का भी अंदाज है, एक ये घटने का अंदाज है, एक ये घटने का अंदाज है. ये रो एट टी बराबर रो एट जीरो वन माइनस अल्फा टी, जो भी कर लीजिए. और ये बता रहा है रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यही रिलेशन करेक्ट होता है. और जब भी दो चीजों के बीच में रिलेशन होता है इनवर्स, मैं आप लोगों को ग्राफ वाले पैटर्न पे, ग्राफ वाले वीडियो में बता चुका हूं कि ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. यू मस्ट लर्न इट क्वाइट कॉन्फिडेंटली, ध्यान रहे. अब हमारे पास आएगा अगला सवाल, इसके बारे में जरा देखा जाए क्या कहता है. फॉर द गिवन सर्किट ऑफ पी एन जंक्शन डायोड विच इज करेक्ट. यहाँ पे देखा जाए सर की जो है ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, पॉजिटिव जुड़ा हुआ, नेगेटिव जुड़ा हुआ, ये फॉरवर्ड बायस में है. फॉरवर्ड बायस में है तो ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा. इसका मतलब ये हो गया कि ये ही जो है पूरा का पूरा वोल्टेज लेके जाने वाला है. तो कह रहे हैं कि इन फॉरवर्ड बायस VR का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस बराबर क्या V. इन फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 2 वोल्ट. इन रिवर्स बायस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज V. इन रिवर्स बायस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 2 वोल्ट. यहाँ पे ये 2 वोल्ट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, या शायद कोई लर्निंग डेटा हो, कोई फैक्चुअल आपका फैक्ट हो जो कि आप मिस कर गए हो. अगर आपको ऐसा लगेगा तो आप जो है ये 2 वोल्ट वगैरह पे मार सकते हो आंसर. बट द करेक्ट आंसर, जो कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता चुका हूं, कि जैसे ही आप इसको ऑन करोगे यहाँ पे ये 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. जब रेजिस्टेंस ही नहीं तो वोल्टेज भी नहीं, तो ये 2 वी वोल्ट गया कहां, यानी ये वी वोल्ट रेजिस्टेंस लेके चला गया. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट. ध्यान रहे, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, जबकि रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसीलिए कोई करंट वहां से फ्लो नहीं कर सकती. और अब आएंगे आप यहाँ पे इस सवाल पे, और मेरा कहना है, मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप एक बार सवाल को पढ़ लें
और वीडियो को पॉज कर दें, बंद कर दें और अपने हिसाब से सवाल लगा लीजिए। अगर आप इस सवाल को अगर पढ़ने के बाद एक मिनट में सवाल लगा लेते हैं तो भी मैं कहूँगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर नहीं लग पाता है तो आपको खुद अपने आप को जवाब देना चाहिए सर कि मैंने किया क्या है। चलिए सवाल देखें। ए जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू ए 10 वोल्ट सोर्स। जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू ए 10 वोल्ट सोर्स। ये पी टाइप एन टाइप देख सकते हो आप, ये फॉरवर्ड बायस में है। एंड 10 रेज पावर 3 ओम रेहोस्टेट। रेहोस्टेट का दूसरा नाम करंट कंट्रोलर होता है। अगर यहाँ पे सर्किट को सेव करना है तो आपको रेहोस्टेट लगा देना चाहिए। कभी कभी जो है अचानक करंट बढ़ जाती है तो रेहोस्टेट यूज करेगा, रेहोस्टेट यूज कर लेगा अपने आप को और करंट को कम कर लेगा, कम होगा तो ही ये बढ़ा भी सकता है। स्लोप ऑफ लोड लाइन ऑन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायोड इज। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायोड के लिए कहा गया, ऑप्शन पढ़ दूं जरा मैं। 10^-2 एम्पियर पर वोल्ट, 10^-3 एम्पियर पर वोल्ट, 10^-4 एम्पियर पर वोल्ट, 10^-5 एम्पियर पर वोल्ट। और आपको बता दूं कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहीं अगर आप भूल लगाए हो, ये हो गया एक्स वाई और ये आई है, ये वी है, ये ऐसे आता है। हमसे पूछा गया है ये कर्व है और स्लोप ऑफ लोड लाइन के बारे में कहा गया है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में। तो आपको याद होगा कि V बराबर E माइनस आई आर है, यहाँ पे I और V के बीच में बात हो रही है, तो आई आर बराबर हो जाएगा E माइनस V, आई आर बराबर माइनस V प्लस E, I बराबर माइनस का V अपॉन R, V अपॉन R, यहाँ पर रेजिस्टेंस को किसी से शो नहीं किया गया, ओके। माइनस का V अपॉन R प्लस E अपॉन R, और ये Y बराबर MX प्लस C से आप कंपेयर कर दें तो M बराबर आ गया है माइनस का 1 अपॉन R, और यही हो रहा है क्या स्लोप, और स्लोप है यानी कि ये 1 अपॉन R की जगह पे, R की जगह पे देख लीजिए ध्यान से, R की जगह पे क्या 10 की पावर 3 हो गया और ये वैल्यू हो गई 10 की पावर माइनस का 3, 10^-3 एम्पियर पर वोल्ट। इट इज द फाइनेस्ट क्वेश्चन, फाइनेस्ट क्वेश्चन। अगर आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है तो सवाल आपको लगा पाना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ये आंसर करेक्ट हो गया ऐसा। तो ध्यान दें कि जो है आपने सवालों में जो है क्या सीखा क्या नहीं सीखा वगैरह वगैरह, ये आपके दिमाग में बना रहना चाहिए कि हमें खूब खूब फायदा लेना है। और किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े हमें अपनी MBBS की सीट या JEE में अपनी सीट सुरक्षित करानी ही करानी है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।